अगली खबर छतरपुर से आ रही है, जहां खजुराहो रेलवे स्टेशन परिसर के रेस्ट हाउस में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इम्प्लाइज संघ की 19वीं झांसी मंडल परिषद की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कर्मचारियों की समस्या को लेकर सभी ने अपनी अपनी बात रखी। बताया गया MPS के विरोध में जल्द प्रदर्शन किया जाएगा, अन्यथा सरकार OPS लागू करे। इस मौके पर संगठन के महामंत्री RK सिंह, BG गौतम, राजकुमार सिंह, केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में रेलवे कर्मचारी मौजूद रहे। एक तो ये झांसी मंडल की डिविजनल काउंसिल मीटिंग थी, जिसमें कि जो हमारा प्रमुख मुद्दे थे, जो NFIR के अधिवेशन और NCIDS के अधिवेशन में भी विशेष तौर पर चर्चा रहा कि NPS को रद्द कराने के लिए, और जो भी हमारे पेंडिंग इशू हैं, जैसे कि जो NDA की जो नाइट ड्यूटी अलाउंस की जो सीलिंग है उसको ख़त्म कराने के लिए, बोनस की सीलिंग ख़त्म कराने के लिए, DR के एरियर का भुगतान करने के लिए, और जो रनिंग स्टाफ को GP 4600 का लाभ देने के लिए, सब एग्रीड आइटम थे जिस पर कि सरकार ने कोई आदेश नहीं निकाला। इसमें केवल एक जो DADR का एरियर का मुद्दा है, इस पर अभी वार्ता चल रही है, इस पर भी पूरे ताकत के साथ इसका संघर्ष किया जाएगा ताकि सबको एरियर का भुगतान मिल जाए। इन्हीं सब बातों पर यहाँ पर आज की इस डिविजनल काउंसिल मीटिंग में चर्चा हुई, निर्णय हुआ कि जो भी फैसला NFIR का होगा, वो 8 जनवरी को मीटिंग है ऑफिस बेरर्स की, उसमें फैसला लिया जाएगा, या जो NCIDS की वर्किंग कमेटी में जो फैसला लेंगे उसका निर्णय, उसका पालन झांसी मंडल के लोगों के द्वारा किया जाएगा। सर, MPS और OPS में क्या फ़र्क है, क्या नुकसान होता है? MPS में और OPS में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि रिटायर होने के बाद जो एक रिटायर होने वाले कर्मचारियों को जो एक पेंशन मिलती है, वो एक गारंटी शुदा है कि 50% ऑफ द लास्ट पे ड्रॉन और प्लस उसके साथ जो जो सुविधाएं हैं वो मिलती हैं। NPS में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। वर्तमान में भारतीय रेल में जो नए कर्मचारी 1/1/2004 के बाद जिनकी भर्ती हुई है, उनकी संख्या 70% के लगभग पहुंच रही है, और NPS में किसी भी प्रकार से भविष्य की गारंटी नहीं है कि कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद क्या मिलेगा, कितने में उसकी आजीविका चल पाएगी। ऐसी स्थिति में NCIDS शुरू से इसका विरोध कर रही है। जिस दिन से लागू हुई है NPS योजना, उस पहले दिन से NFIR NCIDS विरोध कर रही है, और आने वाले समय में इस रणनीति को और तेज़ गति प्रदान करने के लिए संगठन में आज चर्चाएं की गई। आगे इसके लिए जैसे भी आवश्यकता पड़ेगी, NFIR से जैसे भी निर्देश मिलेंगे उनका अनुपालन किया जाएगा, और साथ में यदि सड़क पर आके प्रदर्शन करने पड़े या रेल का चक्का जाम करना पड़ा, तो उस स्थिति में भी जाने के लिए संघर्ष के लिए तैयार है NCIDS। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।